हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आया हूँ आपके लिए अजय संघाल इंस्टीट्यूट, जो यूपी में खुला है शामली में, और आपको उसका अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑन है। तो अगर आपको ये लग रहा था कि कॉलेज तैयार हो चुका है, जब इसको परमिशन मिल गई है तो बैच लॉन्च होने वाला है, बट आपको दिखा दूँ कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। राइट हैंड साइड पर अस्पताल का गेट है, मेडिकल कॉलेज है, अभी बहुत समय लग रहा है बनने में, समय लगेगा बनने में। तो ये देखिए सामने, अभी अब आपको राइट साइड पे अस्पताल नजर आएगा। तो दिस आर अदर थिंग्स। मैं सुबह का 10 बजे का टाइम है जब मैं आया हूँ, करते रहो ध्यान रखना। ये राइट में देखिए अस्पताल है, और लेफ्ट में देखिए हाईवे। मैं वो हाईवे के बारे में बाद में समझाऊंगा कि ये कैसी फेमस कालका करनाल मेरठ रोड है। और ये दूसरी तरफ आ गया अस्पताल का, ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन तो ऑन ही है जी। और ये वहां पे राइट साइड पे जो बाकी बिल्डिंग्स हैं जो भी बन रही हैं, नया कैंपस है, नया कॉलेज है, एकेडमी ब्लॉक अभी बन रहा है। मेरे को डाउट है कि एक महीना में कैसे बनेगा अगर बैच चालू हो जाएगा। तो ब्रॉडली तो देखी जाइए, पीछे वो सामने ऑडिटोरियम, हॉस्टल्स, अभी सब कुछ बन रहा है। और ये मुझे अच्छा लगा था, ये देखिए एंट्री जो बनाई गई है, दोनों तरफ पार्क हैं। बट भाई अगेन, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी हम बाहर निकलेंगे तो मैं आपको थोड़ी और जानकारी दूंगा। लेफ्ट में देखिए, अब राइट में देखिए, तो फिर से वही बात है कि जैसे कहते हैं ना कि एक साल टू अर्ली, अगर मैं समरी बोलूं, एक लाइन में बोलूं, अभी मेन गेट खुला हुआ है, आपको मेन गेट के उधर से गाड़ी खड़ी करके आराम से दिखाता हूं। अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेन गेट भी बन रहा है जैसे कहते हैं प्रैक्टिकली। ये अब रोड को देख रहे हैं, तो ये आ गई सबसे करनाल मेरठ हाईवे। तो एक गाड़ी आ गई थी जी, ना वो रुका ना वो चला। अब आप देखिए, तो फिर से व्यू दिखा दीजिए सबको। हाँ, तो समरी में देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क है करनाल से शामली रोड। तो करनाल मेरठ रोड सड़क से बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सड़क है। करनाल से निकलती है, मेरठ से सीधा जाती है, इसको NH 709 बोलते हैं। तो लोकेशन अच्छी है, मतलब इट्स ऑन अ गुड हाईवे, चलता हाईवे है। और कॉलेज अजय संघाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अस्पताल भी अभी बनी रहा है, कॉलेज भी अभी बनी रहा है। आप देख रहे हैं, ये अस्पताल का मेन गेट होने वाला है। 10 बजे सुबह ओपीडी में, 10 बजे सुबह ओपीडी में मुश्किल से, हमने टूर अस्पताल में 30 से 40 लोग थे। अब 30 से 40 लोग वैसे तो कम लगेंगे, लेकिन वही बात है कि भाई कुछ ऐसे भी अस्पताल कॉलेज हैं यूपी में खासकर, जहाँ पर 5 पेशेंट भी नहीं आते। ये मैंने आपको एक आध एमपी का बताया था, बट उसके अलावा देखिए भाई, ये पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या होती है। मतलब दिस कॉलेज और जो मैंने आपको दिखाया था सत्या साई शिहोर वाला, मतलब दे शुड लॉन्च नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी ऑलरेडी जुलाई चल रहा है, बच्चे अगले महीने आ जाएंगे। तो मैंने जो भी कंस्ट्रक्शन की हालत देखी, खासकर जो अकेडमिक ब्लॉक था, मतलब वो तो अभी पूरा होने में 5 से 6 महीने लगेंगे। तो वही बात है कि बच्चों को आप, वही बात है, चलो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे खाली, तो 2 कमरे सेट हो जाएंगे और उन 2 कमरों में आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। तो बिल्कुल जैसे लास्ट ईयर मैं आपको साधोपुर के वीडियो दिखाता था, उसी टाइप से चल रहा है। बट साधोपुर की कंस्ट्रक्शन इससे ज़्यादा हो चुकी थी, ये तो अभी 20-25 कंस्ट्रक्शन अभी और बची हुई है परसेंट, या 30% कह लीजिए। यूपी का बस यही फायदा है, फीस कम है, लोकेशन अच्छी है, करनाल से भी ये सड़क सीधी जा रही है। और इस कॉलेज खुलने की वजह से आई थिंक जो यहाँ के एरिया है, जो कैराना शामली, उसके लिए ये खोला गया है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल देखिए वैसे भी बहुत होते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटल की कमी है, बट इनका एक विजन है कि मेडिकल कॉलेज दिया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी की। तो उसकी वजह से ये PPP मॉडल में, जैसे कहते हैं धनाधन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तो उसी की श्रृंखला में ये भी खोला जा रहा है। अच्छा खोला जाएगा, खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। जैसा कि MMU साधोपुर का बन गया, जो मैं नॉर्थ में बाबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
लेकिन अगले साल तक, तो भाई इस साल जो भी आएगा उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और पीपीपी मोड में है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो ये उन्होंने पीपीपी मोड में अब नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिडन चार्जेस नहीं होंगे या ना के बराबर होंगे। और फिर से मैं भाई कहूँगा भाई, यूपी के पहले जो क्वालिटी लिस्ट है, जो 26 नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें अब 4 ऐड हो चुके हैं, ये वाला, संभल वाला, केएमसी और गोरखपुर, अब इसको आप जो हम बॉटम 3-4 हमेशा रखते हैं फिलहाल, एसकेएस मथुरा या नारायण कानपुर, उसकी श्रेणी में ही फिलहाल आप इसको रखिएगा, मतलब ऊपर मत रखिए। हाँ, हिडन चार्ज की चिंता है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर काम पक्का 70 में हो जाएगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर हिडन चार्ज के कारण 80 तक पहुँच जाता है बजट हमारा, और पर वहाँ पेशेंट फ्लो इससे फिर भी बेटर, उनसे यहाँ से वहाँ बेटर है, अगर मैं प्रसाद या टीएस मिश्रा की बात करूँ तो उसको आप नीचे रखिएगा। तो सस्ते में आपको एमबीबीएस करनी है तो आप कर सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि फिलहाल देख के लग रहा है, जो मैंने लास्ट ईयर साधोपुर के बारे में भी कहा था कि चल जाएगा, फ़र्क बस ये है कि हम जो पहला बैच है, हम जो पूरी फीस दे रहे हैं तो हम बेस्ट क्यों ना लें। तो बस वही बात है, अगर आपके बजट कम है और नंबर अच्छे हैं तो फिर आप यहाँ क्यों आएंगे? श्रीराम मूर्ति जाइए, हिंद जाइए, रोहिलाखंड जाइए, के डी मथुरा जाइए, रामा कानपुर, रामा हापुर, जी एस हापुर जाइए। बट बजट भी कम है, नंबर भी रिलेटिवली कम है, 330 340 हैं, क्यों और कुछ नहीं मिल रहा है। और यू हैव टू चूज बिटवीन नारायण कानपुर एंड सरस्वती उन्नाव एंड दिस, तो मे बी वी कैन चूज दिस एटलीस्ट ओवर सरस्वती उन्नाव, राइट? सो दिस इज विवेक गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर यू टुडे, और जब तक ये वीडियो लाइव होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि आज मैं घूम रहा हूँ आपके लिए 18 जुलाई को, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है, यहाँ मैं आपके लिए रोड पे हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।